children how are you hope all of us are doing good now the topic that we will study today is synthetic fibers and plastics and the things we will learn are polymers synthetic fibers advantages and disadvantages of synthetic fibers plastics use of plastics and plastics are threat to the environment now in the previous classes you have studied about natural fibers like कॉटन सिल्क एट्सेट्रा वी यूज़ मेनी मैन मेड मटीरियल्स इन आर लाइफ सच है सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक्स मेडिसिन पेंस फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम ऑफ दीज मैन मेड फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स तो हमने पहले पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर्स होते हैं कॉटन सिल्क की तरह हम लोग बहुत सारे मैन मेड अपनी लाइफ में यूज करते हैं जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक्स, मेडिसिन पेंट्स, फर्टिलाइजर्स तो अब इनके बारे में जो मैन मेड फर्टिलाइजर्स और रिपीट लास्ट लाइन तो ये जो मैन मेड फाइबर्स और प्लास्टिक्स हैं अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे सो लेट्स बिगिन विद दॉलीमर्स पॉलीमर्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर इन फैक्ट चेन्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स पॉली पॉलीमीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी जो बड़ी लंबी चेन होती है इनको हम पॉलीमर्स कहते हैं इनमें क्या है जो इनकी एक यूनिट होती है वो बार बार रिपीट होती है द स्मॉल यूनिट और मॉलिक्यूल विच इज रिपीटेड इज कॉल्ड मोनोमर अब ये जो एक छोटा यूनिट या मॉलिक्यूल है जिसको बार बार रिपीट किया जा रहा है इसे मोनोमर कहते हैं पॉलीमर्स रिजेंबल बीड्स इन अ स्ट्रिंग और ब्रिक्स इन अ वॉल पॉलीमर्स कैन बी लीनियर और क्रॉस लिंक्ड डिपेंडिंग ऑन हाउ मोनोमर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कम्बाइंड तो ये जो हैं एक माला की तरह नज़र आ सकता है या दीवार में जैसे ब्रिक्स लगी हैं वैसे नज़र आ सकता है जो पॉलीमर्स हैं वो लीनियर हो सकते हैं क्रॉस लिंक्ड हो सकते हैं डिपेंड करता है कि जो मोनोमर्स हैं उस मोलिक्यूल के वो कैसे कम्बाइन हो रहे हैं Now, polymers can be made in the laboratory. They also exist in nature. Cellulose, hemoglobin, fructose, the proteins in DNA, etc are polymers occurring in living things. Cotton, silk, etc., are natural polymers. Then polymers made or synthesized in the laboratory form the basis of synthetic fibers and plastics, which we shall study in detail in the following sections. Nature may hame polymers. Nazar aate hain. सेलिलोज़, हीमोग्लोबिन, फ्रक्टोज प्रोटीन्स इनके फॉर्म में फिर जो कॉटन सिल्क है ये लिविंग चीज़ों से हमें पॉलीमर्स मिलते हैं इनको नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं जिन पॉलीमर्स को हम लेबॉट्रीज में बनाते हैं उनसे हम फिर आगे सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स बनाते हैं लेट अस लुक एट सिंथेटिक फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड पॉलीमर्स दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉर्ट्री नायलन रेयन पोलीएस्टर एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो मैन मेड पॉलीमर्स हैं इनको लेबॉर्ट्री में बनाया जाता है नायलन रे ऑन पोलीएस्टर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिंथेटिक फेब्रिक्स के सो लेट इस फर्स्ट लुक एट रे ऑन रेऑन वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इट वॉज सिंथेसाइज इन देंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी इट इज़ पॉपुलर एवर सिंस एज अ सब्सटीट्यूट फॉर सिल्क एज इट्स टेक्सचर इज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क फॉर दिस रीजन इट इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क द रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन इज वुड पल्प एज द रॉ मटेरियल इज सेल्यूलोज ऑफ वुड विच इट इज अ पॉलीमर इज ऑल्सो कॉल्ड रीजेनरेटेड फाइबर तो रेयन जो है ये सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर बनाया गया था नाइनटीन सेंचुरी के एंड में बनाया गया था ये क्योंकि सिल्क की तरह नज़र आता है तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है ये वुड पल्प से बनाया जाता है और क्योंकि वुड की सेल्यूलोर्स यूज होती है इसको बनाने में तो रेन को हम रीजेनरेटेड फाइबर भी कहते हैं नाउ अस लुक एट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेन जो वुड का पल्प है उसको एक एल्कोलाइन सोल्यूशन में डिजोल्व करके एक बहुत ही थिक लिक्विड बनाया जाता है इस लिक्विड को फिर बहुत ही छोटे छोटे होल्स के थ्रू पास किया जाता है तो इनमें से टाइनी होल्स में से जो फाइबर बाहर निकल रहे होते हैं इनको फिर हार्डन किया जाता है इनको सल्फ्यूरिक एसिड से पास करके आफ्टर दीज फाइबर्स आर हार्डनड दे आर स्पन इंटू यान्स एंड फर्दर वो वन इंटू फैब्रिक्स लेटेस्ट लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और वेट में लाइट होता है क्योंकि ये सेल्यूलोस से बनता है तो ये स्वेट को यानी कि पसीने को अब्जॉर्ब कर लेता है इसको अलग अलग कलर्स में डाई कर सकते हैं ये रिंकल फ्री होता है और मॉथ रेजिस्टेंट भी होता है नाउ लेट्स लुक एट द यूजेज ऑफ रे इसको हम बहुत सारे गारमेंट्स जो कि स्पोर्ट्स वेयर जैकेट सूट सॉक्स स्टॉकिंग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं फिर होम फर्निशिंग जैसे कि कर्टन्स बेड स्प्रेड्स कारपेट्स टेबल क्लॉथ्स इनको बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं फिर क्योंकि ये सिल्क का एक थोड़ा सस्ता सा सब्सटीट्यूट है तो इससे बहुत सारे फैब्रिक्स ड्रेसेस और साड़ीज़ भी बनते हैं नाव लेटेस्ट लुक एट नायलन फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड कंप्लीटली फ्रॉम केमिकल्स ये सबसे पहला केमिकल से बनने वाला फाइबर है इसको 1931 में बनाया गया था सबसे पहले नाउ लेट अस लुक एट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइलन दी रॉ मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग नाइलन आर कोल वाटर एंड एयर तो कोयले पानी और हवा को मिक्स करके या इनको यूज करके नाइलन बनाया जाता है कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन आर कैरीड आउट एट वेरी हाई टेम्परेचर टू सिंथेसाइज मोल्टन नाइलन ये जो मोल्टन लिक्विड है इसको फिर स्पिनरेट्स के थ्रू फॉर्म किया जाता है जिससे कि इनके फाइबर्स बन सकें जो स्पिनरेट्स हैं ये मेटल प्लेट्स या कप्स होते हैं जिनमें बहुत ही टाइनी होल्स होते हैं जिनके बीच में से ये मोल्टन लिक्विड को निकाला जाता है और इनमें से फिर कंटिन्यूस फिलामेंट फॉर्म होते हैं नायलन के इन फिलाेंट्स को फिर स्पिन करके इनसे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं नाउ लेटस लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ नायलन ये बहुत ही स्ट्रांग है लेकिन लाइट होता है वेट में और बहुत ही ड्यूरेबल है ये बहुत ज़्यादा इसमें इलास्टिसिटी होती है मतलब हाईली इलास्टिक मटेरियल है ये कम पानी अब्जॉर्ब करता है इसलिए बहुत जल्दी सूख जाता है ये रिंकल फ्री है और इसके ऊपर एक लस्टर यानी कि शाइन होती है नाउ लेट्स लुक एट द यूज ऑफ नायलन नायलन जो है इसको हम टूथब्रशेज पेंट ब्रशेस और हेयर ब्रशेस के जो ब्रिसल्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ करते हैं फिर इनसे पैराशूट फिशिंग नेट टेंट रोप वगैरह भी बनते हैं इसको यूज़ किया जाता है स्पोर्ट्स वेयर साड़ीज़ ड्रेस मटेरियल जैकेट्स वग़ैरह बनाने के लिए और इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ किया जाता है सॉक्स और स्टॉकिंग्स बनाने के लिए फिर इसको मशीन के अलग अलग पार्ट्स जिप के जो फास्टनर्स होते हैं या जो कोम्स होती हैं उनको बनाने में भी यूज़ करते हैं नाउ लेटस लुक एट पॉलीएस्टर पॉलीएस्टर जो है ये भी एक तरह का पॉलीमर है और सिंथेटिक फाइबर है जिसको कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के थ्रू बनाया जाता है ये एस्टर का पॉलीमर है टेरिलीन और डैक्रॉन जो हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट या कॉमन वेराइटीज़ हैं पॉलीएस्टर के ये एक रिंकल फ्री स्ट्रॉन्ग लाइट इन वेट और इलास्टिक किस्म का फैब्रिक है जो पानी को कम अब्जॉर्ब करता है इन प्रॉपर्टीज की वजह से पॉलिएस्टर जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है नाउ लेट अस लुक एट द यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर इसको गारमेंट्स जैसे कि ट्राउजर शर्ट सूट्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको दूसरे फैब्रिक्स के साथ ब्लेंड करके मिक्स करके अलग अलग टाइप के ड्रेस मटेरियल्स बनाए जाते हैं टेरिकॉट और पोलीकॉट इज अ ब्लेंडेड फैब्रिक ऑफ टेरेली एंड कॉटन

पोलियस्टर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग पी ई टी पेट बॉटल्स एंड चार्स यूज फॉर स्टोरिंग लिक्विड्स एंड अदर मटीरियल्स जो पी ई टी है यानी कि पॉली इथाइलिन टेट्राफाइट ये एक टाइप का पॉलीमर है जो कि पोलीएस्टर से बनता है इसको हम यूज़ करके अलग अलग यूटेंसल्स हाउस होल्ड आर्टिकल्स वायर्स फिल्म रोल्स वगैरह बनाते हैं नाउ वी कम टू ए क्रेलिक अक्रेलिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है जो देखने में ऊन जैसा नज़र आता है और ये ऊन का सस्ता सब्सटीट्यूट है क्योंकि ये लाइट वेट है और इसके ऊपर बैक्टीरिया मौत या फिर मॉइस्चर असर नहीं करते तो ये श्रिंक नहीं करता इसलिए इसको हम गारमेंट्स जैसे कि शॉल स्वेटर कारपेट्स वगैरह बनाने में हम यूज़ करते हैं इसको प्योर वूल के साथ ब्लेंड भी करते हैं गारमेंट्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर चीपर एंड मोर ड्यूरेबल दैन प्योर वूल let us do it to compare strength of various fibers so take threads of cotton silk wool nylon rayon etc same thickness and length then stand weight pan various weights you may use the weight box available in the lab so hang one thread from the stand and attach the weight pan at the end as shown in this figure here

एडवांटेजेस एंड डिसएडवाटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स फर्स्ट वी विल लुक एट दी एडवाटेजेस जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये थोड़े सस्ते होते हैं इनएक्सपेंसिव होते हैं इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है इसलिए ये काफ़ी हैवी लोड ले सकते हैं मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स आर इलास्टिक ड्यू टू विच दे कैन री देयर शेप इवन आफ्टर रिपीटेड यूज़ फिर ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनको मेंटेन करना आसान होता है क्योंकि इनमें रिंकल्स नहीं आते ये लाइट होते हैं ये जल्दी से इनका कलर फेड नहीं होता या बार बार धोने से इनकी शेप खराब नहीं होती नाउ इट इज़ अ फैक्ट Kevlar is a special synthetic fabric used to make bulletproof vests and jackets. It is extremely light, strong and very flexible. It is also used in spacecraft, bicycle tires and musical instruments. Yeh jaldi hain. क्योंकि ये पानी को कम अब्जॉर्ब करते हैं फिर ये मॉथ रेजिस्टेंट होते हैं तो इन पे बैक्टीरिया केमिकल ज्यादा जल्दी असर नहीं करते नाउ लेटेस्ट लुक एट दियर डिसएडवांटेजेस जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये पानी को कम अब्जॉर्ब करते हैं या बिल्कुल ही अब्जॉर्ब नहीं करते इसकी वजह से ये पसीने को अब्ज़ॉर्ब नहीं करते तो इनको अगर हम गर्मियों में पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें अनकम्फर्टेबल लगता है फिर ये जो सिंथेटिक फ़ाइबर्स हैं ये बड़ी जल्दी आग पकड़ते हैं आग से ये बहुत जल्दी मेल्ट होते हैं और जलना शुरू कर देते हैं तो सिंथेटिक फ़ाइबर से बने हुए कपड़े पहन करके कुकिंग नहीं करनी चाहिए या इनको लेबॉर्ट्री में नहीं पहनना चाहिए और इनको प्रेस करते टाइम भी बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होने की नीड है फिर जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनमें स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है जब इनको रब किया जाता है तो इसलिए ये आपकी स्किन के साथ ज़्यादा चिपकते हैं नाउ यू विल स्टडी अबाउट चार्जेस लेटर इन दिस क्लास अस नाउ लुक एट दी प्लास्टिक्स हमारी लाइफ में प्लास्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि uh, बाल्टी मग चेयर पेन पेंसिल बॉक्सेस, लंच बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स मेडिसिन रखने वाले कंटेनर्स इन सारी चीज़ों में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है प्लास्टिक जो है ये भी एक पॉलीमर है मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स दैट इज बाय प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम नाउ अस लुक एट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स को अलग अलग शेप में मोल्ड किया जा सकता है इसलिए इनसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स बनाए जाते हैं दे कैन बी मेल्टेड कलर्ड ड्रॉन इनटू वायर्स एट्सेट्रा फिर प्लास्टिक्स जो हैं वो हीट के पुअर कंडक्टर्स हैं इसलिए जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनके हैंडल्स बनाने में इनका इस्तेमाल होता है ये इलेक्ट्रिसिटी के भी पोअर कंडक्टर्स हैं इसलिए जो वायर के ऊपर की इंसुलेटेड कवरिंग्स हैं या स्विच बोर्ड में जो हमारे स्विचेस होते हैं उनमें हम प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं ये पानी में जल्दी से घुलते नहीं हैं डिज़ोल्व नहीं होते हैं इनके ऊपर एयर और मॉइस्चर अफेक्ट नहीं करते तो इसलिए ये बड़ी जल्दी से इनमें जंग नहीं लगता ये ख़राब नहीं होते जल्दी से दे आर नॉन रिएक्टिव विद केमिकल्स देन दे आर इनफ्लमेबल क्योंकि ये बहुत ईजीली जलना शुरू कर देते हैं ये बायो नॉन डिग्रेडेबल हैं तो इसलिए ये डीकम्पोज नहीं होते ना प्लास्टिक्स आर स्ट्रांग ड्यूरेबल एंड लाइट वेट बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज दे आर एक्सटेंसिवली यूज इन मेकिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स एंड मशीनरी पार्ट्स नाव लेट लुक एट दी टाइप ऑफ प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स दो टाइप के होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेट प्लास्टिक्स जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं इनको बड़ी इजीली मेल्ट करके अलग अलग शेप्स में रीमोल्ड किया जा सकता है तो इनको आप बार बार मेल्ट करके ठंडा कर सकते हैं जैसे कि पॉलिथीन या फिर आपकी पीवीसी वी सी विचार पॉलीविनाइल क्लोराइड फिर हमारे आते हैं थर्मोसेट प्लास्टिक्स ये एक बार अगर इनको आप कहीं पे सेट कर दें तो इनको आप दोबारा से मतलब किसी शेप में अगर आप सेट कर दें तो दोबारा से इनको हीट करके रीमोल्ड नहीं कर सकते इनके एग्जाम्पल्स हैं बेकलाइट एंड मेलामाइन नाउ लेट अस लुक एट द यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स ये बहुत ही वर्सेटाइल हैं इसलिए बहुत ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज़ होता है डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज प्लास्टिक्स कैन भी थिन और थिक ट्रांसपेरेंट और कलर्ड सॉफ्ट और टफ ऑल्सो एज दे आर क्रोजन रिजिस्टेंट लाइट वेट इन एक्सपेंसिव एंड आर नॉट स्पॉयल्ड बाई द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देर यूजेज आर मेनीफोल्ड क्योंकि ये लाइट वेट के हैं क्रोजन इनमें नहीं होती माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्शन इनपे नहीं होता तो इनके बहुत सारे यूजेज हैं पॉलिथिन बैग्स जो हैं इनको हम पैकिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं जिनमें लिक्विड्स जैसे कि ऑयल या मिल्क हम पैक करते हैं देन पी वी सी पाइप्स आर यूज इन इरीगेशन वाटर पाइपलाइंस एटसेट्रा फिर पी वी सी से हम बड़े सारे फर्नीचर जैसे कि चेयर स्टूल टेबल वगैरह भी बनाते हैं स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक्स इज यूज इन मेकिंग द विंडोज ऑफ एरोप्लेन्स एंड द विंड स्क्रीन ऑफ कार्स बसेज एटसेट्रा नाउ अस लुक एट सम मोर प्लास्टिक्स टेफलॉन ये पैंस uh, और कुकिंग यूटेंसिल्स के ऊपर जो एक नॉन स्टिक कोटिंग है उसके उसको बनाने में यूज़ होता है इसका एडवांटेज ये है कि ये खाने को वेसल के साथ चिपकने नहीं देता तो इसलिए खाने में फिर तेल कम इस्तेमाल होता है देन वी हैव बेक लाइट ये एक थर्मोसेट प्लास्टिक है इससे हम स्विच बोर्ड्स प्लग्स इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह बनाते हैं मेला जिसको हम फॉर्मिका भी कहते हैं इससे हम टेबल uh, टॉप्स और क्रॉकरी uh, या डिनर सेट के कुछ आइटम्स बनाते हैं नाउ इट इज अ फैक्ट मोर देन 500 बिलियन प्लास्टिक बैग्स आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अ ईयर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूजेज मोस्ट प्लास्टिक्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेजिंग मटीरियल नाउ लेट अ थ्रेट टू द इनवायरमेंट अब हमारी लाइफ में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हालांकि ये बहुत पॉपुलर है और हर तरह के काम के लिए या चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल में आता है लेकिन इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत खतरा है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं बैक्टीरिया इनको बड़ी जल्दी डीकम्पोज नहीं कर सकते तो बहुत साल मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं प्लास्टिक को डीकम्पोज होने में और कुछ कुछ प्लास्टिक्स तो ऐसे भी हैं जो बिल्कुल डीकम्पोज हो ही नहीं सकते तो इनकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है वो इकट्ठा होता रहता है तो प्लास्टिक का डिस्पोजल जो है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं लेटस सी नाउ प्लास्टिक डज नॉट बर्न कम्प्लीटली प्लास्टिक को अगर हम जलाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस और पोल्यूटेंट्स को रिलीज करता है जिससे कि हेल्थ खराब होती है एट मैनी प्लेसेज द प्लास्टिक वेस्ट गेट्स एक्यूमलेटेड इन द ड्रेन एंड अदर वाटर बॉडीज अब इससे जो ये वाटर बॉडीज़ हैं एक तो इनमें चौकिंग हो जाती है इनकी वजह से जो पानी है वो स्टैगनेंट हो जाता है और इस स्टैगनेंट रुके हुए पानी में जर्म्स ब्रीड करते हैं फिर प्लास्टिक्स की वजह से जो अक्वेटिक लाइफ है पानी में रहने वाले लाइफ है उनको भी खतरा होता है अब प्लास्टिक वेस्ट जो है अगर सॉइल में दब जाता है तो इसकी वजह से सॉइल में नीचे की तरफ पानी नहीं बहता और इसकी वजह से जो रेन वाटर है वो सॉइल के अंदर से नीचे नहीं जाता तो जो वाटर टेबल है उस जगह का वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे अब प्लास्टिक्स क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं एज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल देर आर नो इफेक्टिव मेथड्स टू मैनेज द वेस्ट जनरेटेड एंड एक्यूमलेटेड अब क्योंकि इम प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन होती है प्लास्टिक्स जो हैं वो ज़्यादातर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ मिक्स हो जाते हैं और फिर उनकी भी डीकम्पोजिशन ढंग से नहीं हो पाती बहुत सारे जो स्ट्रे uh, एनिमल्स हैं जैसे कि गायें या डॉग्स ये प्लास्टिक को सॉलो कर लेते हैं जिनसे इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पे सीरियस इंजरीज होती हैं कई बार चोकिंग और डेथ भी हो जाती है नाउ लेटस्ट लुक एट द थ्री आवर्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अब अगर प्लास्टिक के मटेरियल्स को हम ढंग से जुडिशियसली इस्तेमाल करें तो हमारे जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं सो वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वेज टू मैनेज प्लास्टिक वेस्ट इज़ टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ थ्री आर्स विच आर रिड्यूस रीयूज रिसाइकल रिड्यूस अगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर दें उसकी जगह जो ऑल्टरनेटिव सब्सिट्यूट्स हैं जैसे कि पेपर बैग क्लॉथ बैग्स जूट बैग्स एट्सट्रा उनका इस्तेमाल करें तो हम इसके इस्तेमाल को कम करके इसकी जनरेशन और इससे होने वाले ख़तरों को भी कम कर सकते हैं री यूज़ बहुत सारे प्लास्टिक के आइटम्स ऐसे हैं जिसको कि हम अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उनको फेंकने से पहले तो जो पुरानी प्लास्टिक की बाल्टियां हैं उनको हम डस्टबिन की तरह यूज़ कर सकते हैं पुरानी प्लास्टिक की बॉटल्स को फ्लावर वासेस की तरह यूज़ कर सकते हैं रीसाइकल बहुत सारे प्लास्टिक्स स्पेशली प्लास्टिक जो थर्मो प्लास्टिक्स हैं उनको रीसाइकिल करके दूसरे तरह के, के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं Now, let us take a quick recap. Polymers are long chained compounds having repeating units. Synthetic fibers are man made fibers made from polymers. Synthetic fibers are tough, strong, wrinkle free, absorb less water, they are elastic and lightweight. Then, synthetic fibers catch fire easily. Plastics are man made polymers. Thermoplastics can be remolded, whereas thermoset plastics, once set, cannot be remolded. Plastics are lightweight, poor conductors of electricity and heat, durable, and can be molded in various shapes. Synthetic fibers and plastics are extensively used in our life. Plastics are non biodegradable, hence, disposal of plastics is a problem and threat to the environment. So, I hope that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy.